सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में क्या क्या आता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, आप सब तो पता है कि सोशल मीडिया में ये सब चीजें आती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है सोशल मीडिया किस तरह से यूज होता है? सोशल मीडिया को लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक जो लोग वो होते हैं जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, जो प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए यूज करते हैं, लाइक्स के लिए यूज करते हैं, और दूसरी चीज ये होती है जो बंदे बिजनेस के लिए यूज करते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, अपनी प्रमोशन के लिए यूज करते हैं और अपनी सेल बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सोशल मीडिया के द्वारा आप अपने बिजनेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, किस तरह आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दूसरी चीज, जैसा कि आपको पता है मैं अब इंस्टाग्राम पे भी आ चुका हूं, वहां पर मैं लाइव आता रहता हूं और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करता रहता हूं, साथ ही साथ इस टाइप के कंटेंट भी प्रोड्यूस करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चूज ए परफेक्ट प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता है सोशल मीडिया में बहुत प्लेटफॉर्म है, मैंने बात भी की थी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, मतलब बहुत सारे हैं, कोई लेवल नहीं है उनके प्लेटफॉर्म के होने का। अब यहां पर बात आती है कि आप किस तरह अपने प्लेटफॉर्म को चुनिए कि आपकी मार्केट हो, आपका प्रमोशन हो, आपकी सेल्स हो। अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है, तो मेरा सोशल मीडिया क्या होगा? जाहिर सी बात है यूट्यूब होगा, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड कर सकूंगा। जाहिर सी बात है टिकटॉक होगा, जहां पर मैं अपने वीडियोस अपलोड कर सकूंगा। तो मतलब आपके माइंडसेट को सोचना पड़ेगा मुझे किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। मैंने ज्यादातर देखा, अगर मैं सब प्लेटफॉर्म को एक एक करके बताऊं, मैं अगर इंस्टाग्राम की बात करता हूं तो इंस्टाग्राम पे ज्यादातर मैंने देखा है ब्यूटी प्रोडक्ट चलते हैं, मतलब जिनका ब्यूटी प्रोडक्ट है वो प्रमोट करते हैं अपने आप को, उनका प्रमोशन होता है, मार्केटिंग होती है, सेल्स भी होती है। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक कुछ टेक्निकल सर्विसेज, क्लोथिंग ब्रांड, टी शर्ट, मतलब इस टाइप की चीजें वहां पर ज्यादा प्रमोट होती है, मार्केट होती है। पढ़ने लिखने वाली चीजें फेसबुक को ज्यादा प्रमोट होती है। अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं तो लिंक्डइन पे बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो अपने रेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, उसकी मार्केटिंग करता है। अगर मैं टिकटॉक की बात करूं तो टिकटॉक में हर लेवल वाला बंदा प्रमोट कर सकता है, क्योंकि वहां पर हर लेवल के कस्टमर्स आते हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं अलग अलग यूज है। हर प्लेटफॉर्म कुछ एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है अपने मार्केट को और अपने सर्विसेज को, कि वो किस तरह अपने टारगेट कस्टमर को वहां से ढूंढ सकते हैं और अपने साथ ही साथ मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये करना है कि पहले आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना है जहां पर आपकी मार्केटिंग अच्छी हो। ट्राई करिए, सोचिए, रिसर्च करिए, आपको जरूर प्लेटफॉर्म मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट पोस्टिंग बिजनेस कंटेंट। जब हमारा प्लेटफॉर्म चूज हो जाता है, जब हम अपना एक मीडिया फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इस पर जाके वर्क करना है, तो हमारी बारी आती है कि हम किस तरह लोगों को बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये करने आया हूं, या इस प्लेटफॉर्म पर मेरा बिजनेस इसके ऊपर है। उसके लिए हम लोग डालते हैं पोस्ट, वीडियोस। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पेजेस पे पोस्ट पढ़ते हैं, वीडियोस पढ़ते हैं, जिससे लोग जानते हैं कि एक्चुअल में ये पेज किस टाइप का है, एक्चुअल में ये बिजनेस किस टाइप का है। तो आपको भी यही करना है, एक फुल इंफॉर्मेशन वाली पोस्ट डालनी है, एक फुल इंफॉर्मेशन वाली अपने बिजनेस की वीडियो डालनी है, मतलब कंसिस्टेंसी के बेस पे, जिससे क्या होगा, लोग आपको जानेंगे, आपके फॉलोवर्स गेन होंगे, आपके कस्टमर गेन होंगे, आपका प्रमोशन होगा, आपकी मार्केटिंग होगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उसका यूज करना पड़ता है, उस पर कंटेंट डालना पड़ता है जिससे कि लोग आपको जाने। थर्ड पॉइंट, इनकरेज इंगेजमेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पोस्ट डालने लगोगे तो जाहिर सी बात है आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे, आप पे कस्टमर्स बढ़ने लगेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, मतलब आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उस पे लोग आने लगेंगे, आपको देखने लगेंगे। अब यहां बात आती है कि हम उसको किस तरह अपने कस्टमर को या फॉलोअर को इनकरेज करें अपने प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई पोस्ट डाला, आपने कोई वीडियो डाला, तो रिलेवेंट डालिए, इन्फॉर्मेशनल डालिए, प्रॉब्लम सॉल्वर डालिए कि लोग उसको लाइक करें, लोग उसे कमेंट करें, लोग उसको शेयर करें, जिससे क्या होगा, वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा, लॉयल फॉलोअर बन जाएगा, आपके प्रोडक्ट को हमेशा वो लाइक करेगा, आपकी चीज को हमेशा वो फॉलो करेगा, जिससे क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में आपसे वो चीजें भी खरीदेगा, क्योंकि आपने अभी अपने मार्केटिंग फिक्स कर ली है, उसको अच्छे अच्छे कंटेंट बताकर अपने बिजनेस से रिलेटेड उसके प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है,
और जब आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपकी एक ब्रांडिंग हो जाती है उसके नजर में। जब ब्रांडिंग हो जाएगी तो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली आपसे वो सेल करेगा, क्योंकि उसके पता होगा कि भाई मेरे प्रॉब्लम का सॉल्वर ये प्रोडक्ट है, मेरी जो प्रॉब्लम है मुझे यही सॉल्व करेगा, तो क्यों ना मैं इसका ही प्रोडक्ट लूं, तो देन वो आपका ही प्रोडक्ट लेगा। और हाँ, आगे आने वाले जो मेरे लास्ट के दो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके सोशल मीडिया को एक तरह से बूस्ट करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। फोर्थ पॉइंट, बिल्ड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? जाहिर सी बात है, आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, मतलब ऐसे लोग जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको फॉलो कर रहे हैं। कम्युनिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ फॉलोवर गेन करना। अगर मान लो आपने जो फॉलोवर इधर उधर से गेन कर लिए और आपके फॉलोवर उस बिजनेस से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, उसमें उनका कोई काम है ही नहीं, तो वो तो फॉलोवर आपके वेस्ट है ना, तो आपके बिजनेस का यूज होगा ना तो आपके फॉलोवर कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो फॉलोवर भी चले जाएंगे आपके और सोशल मीडिया में आपका बिजनेस भी डूब जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको जेन्युइन फॉलोवर्स गेन करने हैं, फॉलोवर्स नहीं एक तरह से कस्टमर्स गेन करने हैं। आप अपने फॉलोवर को कस्टमर मानिए कि आपका वो कस्टमर है। और वो कस्टमर कैसे गेन होंगे? रिलेवेंट पोस्ट डालिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन डालिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए सोशल मीडिया के द्वारा। जिससे क्या होगा, लोग आपसे एंगेज होंगे, वो जानेंगे भाई कि मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब मेरे प्रॉब्लम का प्रोडक्ट इनके पास है, ये वो चीज सेल कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनसे परचेस करूं। तो कम्युनिटी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर आपके पास 100 फॉलोवर्स हैं तो 90 कस्टमर आपके एक्चुअल होने चाहिए, तभी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ग्रो करेगी और एक अच्छा आप लाखों करोड़ों में वहां से रेवेन्यू अर्न कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से। फिफ्थ पॉइंट, रन एड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब बारी यहां पर यह आती है, कुछ लोग कहते हैं कि यार फॉलोवर गेन करने में टाइम लगता है। अच्छी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, टाइम लगता है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि आप तुरंत फॉलोवर भी गेन कर लोगे और अपने लिए कस्टमर भी गेन कर लोगे। उसमें क्या होता है, आपको एड चलाना पड़ता है। अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, मान लो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो इस पर क्या होता है, आपको एक रिलेवेंट एड चलाना होता है जिससे वो आपके एड को आपके उन कस्टमर तक पहुंचाता है जिसको उसकी नीड है, जिसको उसकी जरूरत है। इसका मतलब अगर आपका हेयर लॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस है, तो आपके एड को वो उसी को दिखाएगा जिसका हेयर लॉस हो रहा है। इससे क्या होगा, वो जो आदमी है आपको फॉलो करेगा, क्योंकि वो जानेगा इनके पास मुझे टिप्स मिलते रहेंगे हेयर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ये मुझे प्रोडक्ट देते रहेंगे। तो मतलब क्या होगा, वहां से आपका फॉलोवर भी आ रहा है और साथ ही साथ एक कस्टमर आ रहा है, और यहां पर आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। लेकिन अब बात यहां पर यह आती है, हम एड कैसे चलाएं। आप एड खुद सीख के चला सकते हो, लेकिन खुद सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इंसान चला नहीं पाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर बात यह भी आती, किस तरह हम हायर करें, आसपास कहां जाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि ये सब चीजें करती हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग करती है हर चीजों का। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा आराम से, इजली। मेरा नंबर और मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से मुझे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने बताया कि एड को रन करके आप फॉलोवर कस्टमर गेन कर सकते हैं बहुत जल्द, और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी सेलिंग भी कर सकते हैं कम समय में ज्यादा लोग तक। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड गिव अवेज। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जो कि बहुत कम लोग करते हैं, कहते हैं कि मैं क्यों करूं, लेकिन वो सबसे गलत होते हैं। आपको क्या करना है, आप जब आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना, उन्हें गिव अवेज दो, कुछ चीजें डिस्काउंट में दो, कुछ कूपन्स दो, जिनसे क्या होगा, उनका मन आपके तरफ अट्रैक्ट होगा, वो कहेंगे भाई ये ब्रांड है हाँ, तो ये चीज हमको फ्री में दे रहा है, ये चीज में डिस्काउंट दे रहा है, ये चीज में कूपन दे रहा है, वो तो लेगा ही लेगा आपसे, साथ ही साथ अपने दूसरे बंदों को बताएगा। इससे क्या होगा, उसके द्वारा आपका प्रमोशन, आपकी मार्केटिंग हो रही है, इस बंदे के द्वारा लोग उसको जान रहे हैं, वो किसी और को बताएगा, इससे क्या होगा, आपकी एक चेन बिल्ड हो जाएगी। आपकी ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग आएगी, लेकिन आप देखिए आप यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स, कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो कोशिश करिए सोशल मीडिया पे आपके एक समय बाद गिव अवे प्रोवाइड करिए, डिस्काउंट दीजिए, फ्री में गिफ्ट दीजिए, कूपन दीजिए अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने सर्विस के साथ, तभी आप ग्रो करोगे सोशल मीडिया पे, वो भी नेक्स्ट लेवल पे एकदम। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने पूरा हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया अच्छे तरीके से आपको समझाया होगा।
आई होप मेरी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी और आप अपने बिजनेस पे सोशल मीडिया का यूज आज से ही चालू करोगे मेरी वीडियो देखने के बाद। और हाँ, जरूर चालू करो क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग होगी, ऑनलाइन सेल्स होगी और एक आप अच्छा खासा लाखों करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट कर रहे होगे थ्रू सोशल मीडिया। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।